series which contain common ratio throughout the series. Is known as geometric progression. AP में क्या होता था कि common difference same होता था, ठीक है ना? इसमें ratio, जैसे for example ये 2, 4, 8, 16, 32. देखो हर बार 2, 2 multiply होता जा रहा है, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म या फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म. रेशियो कॉमन रेशियो चल रहा हो, क्या चल रहा हुआ है? कॉमन रेशियो चल रहा हुआ. इसे हम क्या बोलते हैं? जीपी. ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? जीपी. जो ए होता है दैट इज फर्स्ट टर्म, पहले समझ ले फिर कॉपी कर. एक हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म. आर इज कॉमन रेशियो which is what succeeding term divided by preceding term. ठीक है, R is common ratio. ठीक है जी, इसमें last term निकालने का formula है ARN minus 1. ठीक है, then sum to nth term A R की power N minus 1 over R minus 1 if R is greater than. R is greater. ठीक है ना, ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है इफ आर इज लेस देन 1. ठीक है, ऐसे किसमें था? सम टू इन्फिनिटी. सम टू इन्फिनिटी जिस सीरीज का एंड ना हो रहा हो तो उसका निकालेंगे, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर. दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर. ये थ्रू आउट यही चलता रहे. बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ढंग से करेंगे तो कैप्चरिंग हो जाएगी बड़ी अच्छी. नहीं नहीं, ध्यान से देखना, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2 आएगा, 8 डिवाइड बाय 4 2 आएगा, 16 डिवाइड बाय 8 2 आएगा. सक्सीडिंग टर्म को जब प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक कॉमन नंबर चल रहा हो. सम टू इन्फिनिटी में ना आर लेस देन वन ही होता है ऑलवेज, ठीक है ना, ये लिख लेना ऑलवेज. वो तो चेक कर लेंगे ना, क्वेश्चन चेक. ये तो देखो सम टू एनी टर्म है, आर बड़ा होगा तो ये, एक से छोटा होगा तो ये. सम टू इनफिनिटी तब निकालते हैं जब वो पूछता है, उसमें आर इज लेस देन वन ऑलवेज, वो हमेशा आर में आर की वैल्यू से छोटी होती है. जीपी में बहुत दुखी होते हैं, एपी फिर संभाल लेते हैं बच्चे, जीपी में बहुत दुखी होते हैं, पर अगर सिस्टम से सारे टाइप कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है जी, चले आगे. लिखो क्वेश्चन, लिखो टाइप वन. टाइप वन लिखो, फाइंड द एथ टर्म ऑफ जीपी. फाइंड द एथ टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म is 3 and common ratio is 2. ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. कहता 8 टर्म बताओ. हम लिखेंगे कि n किसके बराबर होता है जी? a r n minus 1. n की जगह 8, a यही है,
ये आपका आ गया, ठीक है ना। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 × 4 12 × 32 380 पूरी डाला करो, मच्छर वच्छर पता नहीं होता, घुटने से नीचे ही काटता वो। तो ऐसी सीरीज जिसमें ए 3 है R 2 है, अगर उसकी 8 टर्म ढूंढने जाएंगे तो क्या आएगी, 384, ठीक है जी। लिखो नेक्स्ट, लिखो फाइंड दी फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, फाइंड दी फोर्थ टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2 एंड कॉमन रेशियो इज 1/2, ठीक है जी। लिख दिया जी, फॉर्मूला लिखो टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, एन की जगह 4 आ गया, ए हो गया 3, आर हो गया 1/4 की पावर 4 − 1, 1/4 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/64। आंसर क्या आया, 3/64। तो फोर्थ टर्म इज 3/64। नेक्स्ट लिखो, फाइंड दी 20th टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज −4 एंड कॉमन रेशियो इज 1/3। ए आ गया −4, आर हो गया 1/3। अब इसको ना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 1/3 की पावर 19 ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हम वहां तक पहुंचे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। फाइंड दी 20th टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज −1, कॉमन रेशियो इज −1। अब −1 की पावर 19 −1 ही होगा, ये आ गया। संतुष्टि हो गई, टाइप क्लियर हो गया। अब लिखो टाइप टू, फाइंड दी 20th टर्म एंड nth टर्म, फाइंड दी 20th टर्म एंड nth टर्म
of the series 3, 6, 12, so on. Yes, sir. ठीक है जी, अब कहानी वही है. A डिसाइड करो, A क्या हो गया 3, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार 2 से, R कितना हो गया 2, तो टी एन ए आर एन माइनस 1, पहले 20th टर्म निकाल लेते हैं, 3 2 की पावर 9, एन एफ टर्म में क्या होगा, आपको A और R को रखना पड़ेगा, A ये है, R हो गया 2 एन माइनस. नेक्स्ट देखो, फाइंड द सेवंथ एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द सेवंथ एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 5 10 20 40. ए हो गया 5, आर हो गया 2, आर कितना हो गया, ये होता है 64 3 2 1, ये होगी nth. नेक्स्ट लिखो, फाइंड द 25th एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज, ए सीरीज दे रखी है -2 4 -8 16 -32. ठीक है जी, सीरीज देखो, सीरीज इस बार ए क्या हो जाएगा -2, आर क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, दैट इज आल्सो माइनस. आर है आपका -2 25 -2 -2 की पावर 20, बेसिकली क्या हो जाएगा -2 की पावर 25, ठीक है ना, -2 की पावर कितनी हो जाएगी 25. -2 की पावर 1 है, ये -2 की पावर n-1 है, बेसिस में पावर जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा -2 की पावर
माइनस थ्री सिक्स माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ए हो गया माइनस टू आर हो गया माइनस लो जी कौन सी टर्म चाहिए सिक्सटीन ए हो गया ये आर हो गया ये सिक्सटीन माइनस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। हाँ ये मेरे को आता है एपी मेरे को आता है। अब कम से कम आपको 90% एपी आती है सब कुछ करा हुआ है। Which term of GP 6, 12, 24, so on is 6144? Which term of GP 6, 12, 24 is 6144? A आपका है इसमें 6, R कितना है 2, last term आपको दे रखी है 6144. यानी ए आर एन माइनस वन सिक्स वन डबल सिक्स टू की पावर एन माइनस वन सिक्स वन डबल टू की पावर एन माइनस वन छः पंच छः दूनी ठीक है जी ये 2 में जाओ तो 10 के बराबर आएगी वैल्यू 2 की पावर जो 10 होती है दैट इज 102 कंपेयर कर सकते हैं आप n माइनस वन किसके बराबर 10 तो यानी 11वीं टर्म जो होगी वो 6144 के बराबर होगी 6144 के रेगुलर रिवाइज करते रहो ठीक है ना रेगुलर रिवाइज करते रहोगे हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे ठीक है जी देखो नेक्स्ट लिखो विच टर्म ऑफ जीपी 1/4 माइनस 1/2 1 माइनस 2 सो ऑन इज माइनस 128 लिख ले कुछ आराम से कोई जल्दबाजी Which term of GP? ठीक है कोई बात नहीं कुछ जल्द बाजू ठीक है जी ए हो गया आर हो गया सेक्स लो जी क्योंकि फर्स्ट टर्म आर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म माइनस 1/2 इंटू 4/1 यानी आर आ गया माइनस ए आ गया ये लो एन का फॉर्मूला लगाएंगे लो जी माइनस 128 ए आपका है 1/4 आर है माइनस 2 की पावर एन माइनस 1 लो ये हो गया आपका
512 माइनस, ठीक है जी, माइनस में ही चाहिए, तो ये माइनस टू की पावर 9 के बराबर होता है, माइनस टू की पावर, क्योंकि बेस वही रखना पड़ता है ना हमें, कि माइनस 512 माइनस टू को जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 512 है। लो जी, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10, 10th नंबर। टाइप फोर पे टाइप फोर कहता है, इफ फोर सम ऑफ जीपी इज 27, फोर्थ टर्म 27, फिफ्थ टर्म इज 81, फाइंड जीपी, फाइंड जीपी 20 लिख दिया मैंने सामने, फोर्थ टर्म इज 27 एंड फिफ्थ टर्म इज 81। ठीक है जी, लो जी, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को अगर हम डिफाइन करेंगे फॉर्मूले से तो ये क्या होगी, ए आर 4 माइनस 1, और ये हो जाएगी ए आर 5 माइनस 1। इसे सिचुएशन में पुट करो, हमें देखो जीपी तब कंप्लीट होती है जब ए और आर पता लग जाता है, जैसे एपी में क्या होता है ए और डी पता लग जाए, इसमें लो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ए से ए कट गया, आर इज इक्वल टू 3, आर कितना आ गया, आर आ गया, किसी भी एक सिचुएशन में पुट कर दो, ठीक है जी, ये हो जाएगा 81, ए इज इक्वल टू 81, ए क्या आ गया आपका 1, ए क्या आ गया 1, ठीक है जी। तो जीपी कैसे बनती है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन, ए आपका प्यारा सा 1, अगले में 1 इंटू आर, 1 इंटू आर स्क्वायर, 1 इंटू आर क्यूब, 1, 3, 9, 27, सो ऑन, ठीक है जी। क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ फोर्थ टर्म इज 54, इफ फोर्थ टर्म इज 54 एंड नाइन्थ टर्म इज 13122 एंड द नाइन्थ टर्म इज 13122, फाइंड जीपी,
एंड एनएस टर्म, पॉइंट जीपी एंड एनएस टर्म, ठीक है, पॉइंट जीपी एंड एनएस टर्म। जब फॉर्मुलेट करोगे तो ये बन जाएगा ए आर क्यू और ये बन जाएगा ए आर एट। इसे ले लो फर्स्ट, इसे ले लो सेकेंड, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 13122 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू ए आर एट डिवाइडेड बाय ए आर क्यू। ये इससे कट गया, यहाँ आर फाइव बचेगा। 13122 को जब डिवाइड करोगे तो 13122 डिवाइडेड बाय 54 ये बजा 243, 243 इज इक्वल टू आर के पावर 5। ये किसके बराबर होता है, 3 के पावर 5 के, ठीक है ना। तो आर क्या हो जाएगा 3, आर क्या हो गया 3, ठीक है जी। ए इज इक्वल टू, स्टोरी वही है, ए ए आर स्क्वायर 100, ए क्या आपका 2, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 26 और ये हो गया 18। उसने nth टर्म भी पूछी है, nth टर्म में सिर्फ आपको a और r रखना है, a हो गया r हो गया, ठीक है जी। देखो जब हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन खींचते हैं। वैसे आप सीधा एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, अगर एक क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतना कुछ समझाना पड़ता है उसके लिए। इसको करने के बाद जब वो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ईजी लग रहा होगा। ये क्यों छोड़ दी जगह इतनी, कागज मत वेस्ट किया कर, बीच में इधर लाइन लगा लो। जितना जितने रजिस्टर कम भरे होंगे उतना टेंशन भी कम होती है। एक बार रजिस्टर उधर हो गया ना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी चीजें कौन कराएगा बताओ। पहले तुम्हें वीडियोस भी दे दूंगा देखने के लिए, तो टाइम तो लगेगा ना। अपनी मैनुअल जितना मैनुअली फास्ट काम होता है ना उतना और कोई तरीका नहीं होता। एक और लिखो ऐसा क्वेश्चन, फोर्थ टर्म इज 25 एंड सिक्स टर्म इज 625, फाइंड जीपी। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी ए आर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सिक्स टर्म डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर हो गया 5। वैसे तो प्लस माइनस 5 भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है, क्योंकि और कुछ हो तो तब भी दिक्कत होती है। अब इसके आते ही आपका क्या आ जाएगा ए, भी एक में पुट कर दो, पहले वाले में करते हैं जैसे ए 5 से कर लेता हूं, ए आ गया 1/5, आर हो गया आपका 5, ठीक है ना। अगर हम ए को -5 ऐसे पुट करूंगा, -5 का क्यूब, तो ए आएगा -1/5 और आर आएगा -5, ठीक है।
ठीक है ना, सीरीज क्या होती है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, वन बाय फाइव, फाइव एंड फाइव, ठीक है ना। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव, और यहाँ आ जाएगा वन, यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है जी, ठीक है, टाइप फाइव, इफ फोर्थ सेवेंथ एंड टेंथ टर्म, फोर्थ सेवेंथ एंड टेंथ टर्म ऑफ ए जी पी आर ए बी सी, स्मॉल वाला लिखना आर ए बी सी, शो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ क्वेश्चन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, आराम से देखो। टी फोर यानी कि इसे लिख लो, क्योंकि ना ए ऑलरेडी है तो ए मैं बड़ा ले लेता हूँ इसमें, ए आर फोर माइनस वन इज इक्वल टू ए, टेन सेवन टर्म क्या होगी, ए आर टेन माइनस वन इज इक्वल टू सी, यानी कि ए आर क्यू इज इक्वल टू ए, ए आर सिक्स इज इक्वल टू बी, ए आर नाइन इज इक्वल टू सी, कहता है शो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, बी किसके बराबर, इसके बराबर है एल एच एस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका ए आर सिक्स, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर ट्वेल्व, ठीक है ना, ए सी, राइट हैंड साइड क्या है ए इंटू सी, ए की वैल्यू क्या है ए आर क्यूब, सी की वैल्यू क्या है ए आर नाइन, ध्यान से देखो ये भी क्या होगा ए स्क्वायर आर ट्वेल्व, बराबर आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, करो
लिखो नेक्स्ट लिखो, इफ एक्स वाई जेड आर, इफ एक्स वाई जेड एंड आर, लिखो इफ एक्स वाई एंड जेड आर पी एथ क्यू एथ पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म, आर एथ टर्म शो दैट x की पावर q माइनस r, y की पावर r माइनस p, z की पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसमें भी r आ गया ना, तो अब बड़ी कैपिटल लेना, ठीक है ना, आराम से देखना। p ए टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर पी माइनस 1 इज इक्वल टू x, ए आर q माइनस 1 इज इक्वल टू y, ए आर r माइनस 1 इज इक्वल टू। ठीक है जी, क्लियर, इसमें फिट करते हैं जी। x की वैल्यू क्या है, ए आर पी माइनस 1 ऊपर आ गया क्यू माइनस आर, y की वैल्यू क्या है, ए आर क्यू माइनस 1 आर माइनस 2। क्या प्रूव करना है, ठीक है जी, आराम से। a की पावर क्या हो जाएगी, क्या वो माइनस आर सीधे सीधे, ओ एक मिनट रुको, पावर तो इसके साथ है ना, आर के साथ, ठीक है ना, आर की पावर पी माइनस, पावर मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, इधर आ जाओ, ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर क्या वो माइनस, ठीक है जी, ए की पावर पी माइनस क्या वो, लो जी सामने वन है, लो बेसिस सेम है, पहले ए को निपटाऊं, पेपरों में ऐसे क्वेश्चनों का चांस ज्यादा था, बेसिस सेम है पावर जुड़ जाएंगे, आर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस, इधर आ जाओ, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। लो जी ये तो कट गया, ए की पावर क्या आ गया, जीरो, यहाँ आर की पावर भी क्या आ जाएगी, जीरो, सारे आपस में कट जाएंगे, ये भी वन, नहीं कोई बात नहीं, दिखा दो, वन इज इक्वल टू वन, क्या लिखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा वो रहता है, इसमें लिखो इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी,
हाँ टाइप फाइव ही चल रहा है, क्वेश्चन बचता भी है। एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, शो दैट एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। ठीक है जी, लो जी, कहता है पहला स्टेप, पहले लाइन में क्या बोला है, ए बी एंड सी आर इन ए बी, यानी बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, वाई सो बी सी प्लस ए, बी हो गया सी प्लस ए बाय। ठीक है, सेकंड क्या बोला इसने, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, और ये देख ला, ये 2002 से है बुक्स में, 2016 है, ठीक है ना। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर इन जी पी, देयर फोर वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है जी, लो जी ये आ गई सिचुएशन नंबर तीन। हमें दिया क्या हुआ जी, एक्स बी माइनस सी, वाई सी माइनस ए, जेड ए माइनस बी। हमारे पास वैल्यू किसकी है, बी की, बी की जगह रख दो उसे, सी प्लस ए ठीक है जी, और जेड मेरी बी की वैल्यू ए माइनस x की पावर c प्लस a माइनस सी बाय टू। लो जी x की पावर होगी c, ये माइनस टू सी, सॉरी यहां बचेगा a माइनस सी। ठीक है जी, यहां पे भी क्या बचेगा, z के पास भी क्या बचेगा, a माइनस सी। ध्यान से देखो, इनकी पावर सेम है x और z की, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x z a माइनस सी बाय टू वाई सी माइनस, x z इसके बराबर है y स्क्वायर। और ये तो अपना वहीं स्टैंड करता, तो जी कट गया आपस में, y की पावर a माइनस सी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिस सेम है पावर जुड़ जाएंगे। लो जी वाई की पावर क्या आ गई, जीरो क्या आ गया। पेपरों में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, सीधा नहीं आएगा क्वेश्चन, ए लो आर लो पकड़ से निकाल दो, होता क्या है कि वो हमें सिखाने पड़ते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, हम छोड़ के नहीं जा सकते उसे आगे।
टाइप सिक्स पे आ जाओ। टाइप सिक्स में बहुत क्वेश्चन है, बहुत आते हैं यहाँ से। लिखो, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी गिवन, देन द थ्री नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी आर गिवन, देन थ्री नंबर्स आर टेकन एज ए बाय आर ए ए आर। ठीक है जी, वो तीन नंबर हम क्या मानते हैं, जैसे उसमें करते हैं ना एपी में ए माइनस डी वाला, अब इसमें ये है फोर नंबर गिवन है, तो फोर नंबर क्या लेंगे, ए बाय आर क्यू ए आर ए बाय आर ए आर एंड ए आर। हाँ फोर नंबर, तीन और चार वाला था, पांच वाला नहीं है, तीन और चार वाला। देखो पॉइंट थ्री नंबर इन जीपी, पॉइंट थ्री नंबर इन जीपी whose sum is 35 and product is 1000. Product is 1000. लेंगे let three numbers are a by r a a r, किसको फटाफट हम कैच कर सकते हैं प्रोडक्ट को, a by r a into a r is equal to 1000, आर से आर कट गया बच्चा, ए ए क्या आ गया आपका 10। ठीक है जी, सम क्या दे रखा है जी 35, 10 आ चुका है हमारे पास। टेन बाय आर, टेन आर इज इक्वल टू 25, टेन प्लस टेन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, एलसीएम ले लिया, ठीक है जी, 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 10, 10 एंड 10 100 हो गया, 20 एंड 5 फैक्टर बन जाएगा, 10 आर कॉमन लो, आर माइनस 2 माइनस 5 कॉमन लिया, आर माइनस 2, आर हो गया 5 बाय 10 यानी कि 1 बाय 2 और एक आर हो गया आपका 2 2। अब देखो जिस हिसाब से नंबर लिया उसी हिसाब से फिट करना है, ए बाय आर ए ए आर, ए आपका क्या है 10, आर मान लो 2 है, तो सीरीज क्या बनेगी यहाँ पुट करने के बाद 5 10 20, अगर ए आपका 10 है आर क्या है 1 बाय 2, रिवर्स बन जाएगी ये,
Find three numbers in GP whose sum is 28. Sum is 28 and product is 512. Product is 512. ठीक है जी. किसका होगा ये? चार का भी नहीं होगा. 512 बनता है 8 का बने. लो जी, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब. ए हो गया प्यारा सा 8. सम कितना देर का है? 28. 8 बाय आर, 8 प्लस 8 आर इज इक्वल टू 20. 8 बाय आर प्लस 8 आर इज इक्वल टू. चार कॉमन ले लेंगे, जितना शॉर्ट होगा उतना इजी. चार कैसे रखते जो माइनस पांच है, माइनस चार एन माइनस एक. टू आर माइनस वन, आर की एक वैल्यू हो गई 1/2, एक हो गई 2. ए आपका है 8, ए आपका क्या है? तो 16 8 4 8, तो इसमें पहला बनेगा a by r 4 8 6. ठीक है, करो. जीपी के बाद हार्मोनिक वाले क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे कोर्स में, सिर्फ बताने के लिए होती है. मेनली तो एपीजी भी बहुत लंबा है, तो जीपी करते करते ये देख कम से कम 20 टाइप और पड़े हुए हैं इसके बाद. तो जीपी इज नॉट एन इजी जॉब. जीपी करना कौन सा आसान है, बट हमने इतना सिस्टम बढ़िया बनाया रखा है, अगर इसको बार बार रिवाइज करते रहोगे एक सेकंड भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में. टीचर की इच्छा ऐसा क्वेश्चन देने की होती है हमेशा कि पूरा चैप्टर का क्रक्स निकला उसमें. सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं कभी, ले भी ए आर और फोर्थ सम बता दे, यस ये कुछ बता दे. लिख लेगा 0.3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 38. ठीक है, सम इज 38 एंड प्रोडक्ट इज 1728. ठीक है जी, 1728. ये होगा 12 का क्यूब. कितना आ गया? 12. ठीक है जी, कितना आ गया? 12.
68, ये आ गया आपका 12। ठीक है जी, इज इक्वल टू 26। ठीक है जी, वन फोर्टी के फोर के ऐसे फैक्टर जो 26 में 18 एंड 8, ठीक है ना। क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, टू आर नहीं थ्री आ सकता है, थ्री आर माइनस टू फोर आर माइनस तो आर हो गया टू बाय थ्री और आर हो गया थ्री बाय। अगर आर टू बाय थ्री है और ए है आपका 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 36 डिवाइडेड बाय 2 18, फिर ए फिर 12 डिवाइडेड बाय 2 बटा 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है जी, और इसमें 3 बाय 2 है और ये वो है, इसमें रिवर्स आएगा 6 12 18 करो 38, इसको नहीं बनाया यार ये 38 बनना भी चाहिए, एक करके देख 12 2 बाय 3 12 ये तो आ गया ना 12 3 36 18 हो गया, ये 12 3 6 8 आएगा ना, तो करके भी देखो, ये नहीं कि हम तुक्का मारने बैठे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें रिवर्स बन जाएगी 8 12 18 यहीं तक करो, ठीक है ना।